रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में रासायनिक गुणों में अगर परिवर्तन हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई पदार्थ होगा उसमें रासायनिक गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, कोई भी जब अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें क्रियाकारक से क्या बनते हैं, क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो इसके दौरान क्रियाकारकों से अगर उत्पाद का निर्माण होता है तो इस दौरान जो क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होता है। क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि क्रियाकारकों का और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले की दहन की जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो होती है C+O2, CO2 क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब यहाँ पर बात करें कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का कितना होगा, दो है। इधर बात करें एक कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 होता है, और दो है तो इससे दो से मल्टीपल करेंगे, टोटल करेंगे 32। यहाँ पर इसको ऐड करें, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। यानी यहाँ पर क्रियाकारकों का और उत्पादों में जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पर क्रियाकारकों को सिर्फ उत्पाद का निर्माण हुआ है लेकिन इनके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक और बात कर लेते हम, जैसे मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने, Mg+O2 क्या बनेगा, MgO। संतुलित करने के लिए इसमें यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे और यहाँ पर दो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम के द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24, 24 होता है। एक द्रव्यमान का 24 होता है तो दो का कितना होगा, दो से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना होता है, 16 होता है, एक का 16 होता है तो दो से मल्टीपल करेंगे तो दो का हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 24, तो यहाँ पर भी दो मैग्नीशियम है तो इसलिए इसको भी दो से मल्टीपल करेंगे, प्लस ऑक्सीजन भी कितना है, दो है, और एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना होता है, 16 होता है, तो 2 × 16 सोल्व करें इसको, 24 × 2 = 48, 16 × 2 = 32, यहाँ पर क्या होगा, 48 + 16 × 2 = 32, टोटल करें, टोटल द्रव्यमान करें तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका, 80, और इधर भी कितना हो जाएगा, टोटल 80। यहाँ पर इनका जो क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण ही हुआ है और इसके दौरान कोई इसमें जो द्रव्यमान था इसका, जो इन पदार्थों का जो द्रव्यमान था, क्रियाकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान था वो परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण ही हुआ है, साथ ही इसके रासायनिक जो गुण हैं उनमें भी क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। एक दूसरी बात, एक बात जरूर याद रखें कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके दौरान पुराने बंध तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर मैं जिंक के साथ करवा दूँ, तो इसको जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ये अभिक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। तो
तो इसमें देखो कि जो कॉपर और सल्फेट के बीच में जो बंध बन रहा था वो टूट गया, और यहां पर क्या बन रहा है, जिंक के और सल्फेट के बीच में एक नया बंध बन गया। यहां पर ये देख सकते हैं कि कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पुराने बंध तो क्या होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, ये तो होगी रासायनिक अभिक्रिया की बात। हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कई प्रकार की होती है, जैसे संयोजन होती है, वियोजन होती है, विस्थापन होती है, उत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है, मंद अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन यानी सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। संयुग्मन का मतलब भी क्या होगा, जुड़ना। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो क्रियाकारक होंगे वो अधिक होंगे और वो आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में क्या बनेंगे, अगर कोई भी पदार्थ जुड़ेगा आपस में तो कोई एकल पदार्थ का निर्माण करेगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर संयोजन का मीन्स ही क्या होता है, जुड़ना होता है। एक संयोजन अभिक्रिया के दूसरे नाम भी देख लो, अन्य नाम, कुछ अन्य नाम भी आ जाते हैं इनके, अन्य नाम, अन्य नाम के रूप में योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। योगशील का मतलब भी जुड़ना ही होता है, या योगात्मक अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया, ये इसके कुछ दूसरे नाम हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, तो क्रियाकारक कितने होंगे, दो या क्रियाकारक, क्रियाकारक होंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक होंगे, और वो क्या करेंगे, एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये क्या है, कोई क्रियाकारक है, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के क्या बना लिया, मान लो सी और डी बना लिया, तो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीधा ही, जैसे हमने पढ़ चुके हैं कोयले का दहन वाला, कोयले का दहन, तो कोयले के दहन की क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, सी प्लस ओ टू, क्या बनाता है सी ओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कोयला किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, ऑक्सीजन गैस रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रूप में, क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद यानी पदार्थ की अवस्था भी लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रियाकारक कितने हैं, दो हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कोई एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें मैग्नीशियम के फीते का दहन, तो मैग्नीशियम फीते का भी दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला जाएगा, क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, टू टू संतुलित करने के लिए दो दो इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि क्रियाकारक कितने हैं, दो हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एकल उत्पाद बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इसका एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब एथीन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें बदलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसका फॉर्मूला है, एथीन का, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजनीकरण का मतलब हो गया हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तो H2, तो ये क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, एकल बंध में बदल जाएगा, और
उत्पाद क्या बनेगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि कितने दो क्रियाकारक है, एक तो एथीन क्रियाकारक और एक हाइड्रोजन, और ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। एकल का मतलब ये किसका निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए देखते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी वियोजन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटनीय का मतलब भी क्या होता है, टूटना ही होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रियाकारक टूटेंगे, यानी जो क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होंगे, आपस में टूटेंगे जब अभिक्रिया करेंगे। तो परिभाषा की बात करें कि ऐसे परिभाषा में ये होगी कि कोई एकल क्रियाकारक होगा वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यानी कि क्रियाकारक कितने होंगे, क्रियाकारक, क्रियाकारक क्या होगा, एकल होगा, और उत्पाद कितने बनेंगे, उत्पाद दो या दो से अधिक, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया होगी। तो इसमें आप ये बात देख रहे हो कि यहां पर जब संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी तो यहां पर क्रियाकारक कितने थे, दो या दो से अधिक थे, और उत्पाद कितना बन रहा था, एकल बन रहा था। और यहां पर वियोजन की बात करें तो यहां पर क्रियाकारक कितना है, एकल है, और उत्पाद कितने हैं, दो या दो से अधिक है। इसलिए ये बात, ये क्वेश्चन आता है कि वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कौन सी अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आंसर आता है वियोजन। क्यों, कारण भी यही है कि वहां पर क्रियाकारक कितने होते हैं, दो या दो से अधिक, और यहां पर क्या होता है, एकल, और वहां पर उत्पाद कितने बन रहे थे, एकल उत्पाद बन रहा था, और यहां पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है, या बोल सकते हैं कि संयोजन वियोजन की विपरीत होती है। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, तो ये भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय ऊष्मीय अपघटन, और थर्ड है प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होगा कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत की आवश्यकता होगी, वो तो कौन सी होगी, विद्युत अपघटन। उसमें अपघटन कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो कौन सी होगी, उसमें अपघटन अभिक्रिया होगी। और ऐसी रासायनिक या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अपघटन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, प्रकाशीय अपघटन होती है। यानी इसमें पदार्थ के अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पर ऊष्मा की, ऊष्मा बोल सकते हो या ताप, ताप को वैसे रासायनिक अभिक्रिया में से त्रिभुज के निशान से या इससे ये इसका क्या होता है, ताप का क्या होता है, साइन होता है, चिन्ह होता है। और इसमें पदार्थ के अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जल का क्या कराते हैं, अगर हम विद्युत अपघटन करवाएं H2O, H2O का अगर हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो H2+O2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगा देते हैं और यहाँ पर दो लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये एकल क्रियाकारक था और यहाँ पर उत्पाद कितने बन रहे हैं, देखो दो बन रहे हैं। तो हम अब देखते हैं उसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर गर्म करें, कितने ताप पर, 473 केल्विन ताप पर अगर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, एकल क्रियाकारक है, और उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, और इनके अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, ताप की आवश्यकता हो रही है या ऊष्मा की आवश्यकता
हो रही है तो वो कौन सी होगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगी। दूसरी ओर बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन की, तो प्रकाशीय अपघटन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ब्रोमीन में टूट जाएगा, Br2 में टूट जाएगा, और यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए दो लगा देंगे। तो यहाँ पर इसके अपघटन के लिए, इसके अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, प्रकाश की आवश्यकता हो रही है, या एच न्यू बोल सकते हो या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बोल सकते हो। तो यहाँ पर तीनों में अलग अलग हैं कि इसमें जल के अपघटन के लिए तो किसकी आवश्यकता हो रही है, विद्युत की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, ताप की आवश्यकता हो रही है, तो ये कौन सी होगी, उसमें अपघटन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो अपघटन है उसके लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, प्रकाश की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब स्थान परिवर्तन होगा, यहां पर, यहां पर क्या होगा, स्थान, इनका मींस निकालें इसका विस्थापन का, तो स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन कैसे, कि भाई दो क्रियाकारक होंगे और उन क्रियाकारकों में कोई अधिक क्रियाशील होगा और कोई कम क्रियाशील होगा, जिसकी क्रियाशीलता अलग अलग होंगे तो वो क्या करेगा, कम क्रियाशील को हटा देगा, कौन, अधिक क्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा देगा और खुद का विलयन बना लेता है। जैसे इसकी परिभाषा की बात करें अपन, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अपन, कि कॉपर सल्फेट के जब विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम क्या डाल दें, जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद में जो इस विलयन का जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और उस लुप्त होने का कारण है कि कॉपर है वो जिंक से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसमें क्या डाल रहे हैं, हम जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं Zn, तो ये क्या करेगा, कॉपर क्या है, जिंक से कम क्रियाशील है, या बोल सकते हैं कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर की तुलना में, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, सल्फेट से हटा देगा और खुद इसकी जगह आकर जुड़ जाएगा, तो अभिक्रिया क्या होगी, ZnSO4+Cu। तो जिंक सल्फेट बनने की वजह से यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया CuSO4 की अभिक्रिया अगर हम फेरस के साथ करवा दें, लोहे के साथ करवा देते हैं, तो ये फेरस क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है किससे, कॉपर की तुलना में, इसलिए ये भी क्या कर देता है, इसको हटा देता है। तो हटा देने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4+Cu, यानी कॉपर को हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब आप देख रहे हो कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉपर कम क्रियाशील है, फेरस ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा है, तो यहाँ पर तत्व की जो क्रियाशीलता का निर्धारण है वो सक्रियता श्रेणी के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा, जो ऊपर होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील उसको क्या होता है, वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे तत्व की क्रियाशीलता क्या होगी, घटती जाएगी। हम बात करें कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आता है, तो सक्रियता श्रेणी में आपके दे रखा है पोटेशियम, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या आता है, पोटेशियम आता है, और सबसे नीचे क्या होता है, ओरम होता है, ओरम का मतलब सोना, गोल्ड होता है आपका, यानी कि जो सोना है वह है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, पोटेशियम की होती है।
हम नेक्स्ट देखते हैं सक्रियता श्रेणी को, एक पूरी सीरीज को हम बना के एक ट्रिक से समझते हैं। समझते हैं ट्रिक से हम देखते हैं कि सक्रिय श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं सक्रियता श्रेणी की। जैसे हम एक कोई ट्रिक देखते हैं, काली नाव का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुक है अजी अच्छा। कुक को क्या बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। आलू फिर भी फीके पका रहा है लेकिन कुक को क्या बता रहे हैं? अच्छा ही बता रहे हैं। ये अपने सब हिसाब से क्या है, एक ट्रिक है। तो काली से क्या आ जाएगा? यदि सक्रियता में सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम में होता है, तो यहाँ पर काली से के ले लेंगे पोटेशियम। नाव से क्या आएगा? Na यानी सोडियम। का से क्या होगा? Ca कैल्शियम। माली से क्या जाएगा? Mg मैग्नीशियम। आलू से क्या आएगा? Al एल्यूमिनियम। जरा से क्या आ जाएगा? Zn जिंक। फीके से Fe फेरस। पकाता से आ जाएगा Pb। है से क्या आएगा? H हाइड्रोजन। कुक से क्या आएगा? Cu कॉपर। है से क्या आएगा? एच जी मर्करी। अजी से क्या आ जाएगा? ए जी यानी कि सिल्वर चांदी। अच्छा से क्या आ जाएगा? ए यू। ए यू का मतलब सोना, ओरम। तो मैंने यही बात बताई थी कि सबसे नीचे सक्रियता श्रेणी में कौन होता है? सोना होता है। यानी कि हम एक सीरीज के रूप में दर्शाएं इसको, तो सीरीज के रूप में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, PbH, Cu, Hg, Ag और Au। यानी हम जैसे जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे जाएंगे, सक्रियता श्रेणी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसकी सक्रियता श्रेणी में इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी? घटती जाएगी। यानी कि सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम है। अब पोटेशियम और सोडियम में बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी? पोटेशियम की होगी। वैसे हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता को क्या बताया जाता है? ज़्यादा बताया जाता है। और नीचे वाले को क्या बताई जाती है? सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये वाला, कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा तत्व होता है और सबसे नीचे तत्व कौन सा होता है, तो इसको ध्यान रखना है। यानी कि हम अब कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व की क्रियाशीलता का निर्धारण है वो सक्रियता श्रेणी के अनुसार करते हैं। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और जिसकी जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया की वापस एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये कोई अधिक क्रियाशील तत्व होंगे इनमें, वो क्या करेंगे? ये इनको जो कम क्रियाशील तत्व हैं उनको क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। वही क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की अभिक्रियाएं करते हैं। थैंक यू।